एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम. अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 घरी. हाँ वो रहा 6:30. सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ. हेलो. तो ऊपर में मैंने ये स्वेटशर्ट पहन लिया है एंड जीन्स, दैट्स इट. क्योंकि बाहर जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड है, बारिश अभी आई ऐसा है. ठीक है. तो एंड ये थोड़ा सा मैस है क्योंकि कपड़े धोए थे आज मैंने जम के, तो वही सब सूख गया और मैंने इसको अभी तक ठीक से यू नो नहीं रखा है. अभी जस्ट अभी लाई हूँ बाहर से, तो आके फिर करूँगी. तो जा का रहे हैं, टिपिकल बंगाली मिठाइयाँ मिलती हैं मराथली में, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं और वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाऊँगी कि हम कौन से रेस्टोरेंट या फिर मॉल या फिर शॉप, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाऊँगी कि कहाँ मिलता है. एग्जैक्टली वो मराथली में है, बट मराथली में कौन सा शॉप है क्या है वो मैं वहाँ जाके दिखाए. तो चलो चलते हैं. वैसे तो थंबनेल एंड टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि हम कहाँ आए हैं, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत सस्पेंस करने की क्रिएट करने की कोशिश की थी. तो जब मुझे पता चला ना कि हम बैंगलोर ट्रांसफ़र होने वाले हैं, तो तभी से मैंने सर्च करना शुरू कर दिया था कि बैंगलोर में हम कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बंगाली स्टोर कहाँ मिलेगा. तो दो नाम सामने आए, एक है सुशादु, एक है कोलकाता शुलवाना. कोलकाता शुलवाना जो है हमारे घर के नज़दीक ही है, जो कि मराथली में जैसे मैंने बताया, एंड सुशादु थोड़ा दूर पड़ता है, वो हम फिर कभी जाएंगे. और अगर बात कर रही है स्टोर के बारे में, इस स्टोर में आपको मिल जाएगा ग्रॉसरी, नॉन वेज, मिठाइयाँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड पूजा से रिलेटेड सामान, सब कुछ आपको मिल जाएगा. और मछलियाँ, माय गुडनेस, इतनी सारी मछलियाँ, हर एक का प्राइस रेट उन्होंने एक चार्ट बना के रखा हुआ था वहाँ पे, वो लोग सब कुछ मेंशन करके रखे हुए थे. एंड मिठाइयाँ, आई लव दोस मिठाई, इतनी डिलीशियस मिठाइयाँ थी ना कि मैं क्या बताऊँ. एंड वैसे गई थी मैं थोड़ा बहुत ट्रायल बेसिस के लिए, बट अभी मुझे लगता है मैं हफ्ते में एक बार या मंथली ट्राइज तो ज़रूर जाऊंगी. सारा सामान मिल जाता है. लाइक मैं जैसे कोलकाता एंड आसाम इन जगहों को बहुत मिस करती हूँ, तो अभी मेरे जैसे लोगों को ना मिस करने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्योंकि बैंगलोर में आ गया है एक मिनी कोलकाता, हमने ढूंढ निकाला है. तो यहाँ पे आके मुझे बड़ा अच्छा लगा. क्या क्या शॉपिंग किया वो तो आगे के ब्लॉग में आप देखोगे, बट फिलहाल अगर आप ना मतलब घर बैठे ऑर्डर करना चाहते हो, वो ऑप्शन भी है. इनका खुद का वेबसाइट, इनका खुद का व्हाट्सएप ग्रुप है, ये लोग अपडेट करते थे कि इनका क्या सामान है क्या क्या सामान नहीं है. हफ्ते में दो बार ये लोग अपने शॉप में सारा सामान रिलोड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं. सारा सामान इनका कोलकाता से आता है. सो बेसिकली हैट्स ऑफ टू कोलकाता शुलवाना. Thank you.
गई है। फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, क्योंकि गए थे ऑटो से और आए हैं चल के। कितना कितना कत तो दूर हेटे चो? 500 मीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर। वो जो इंसान बैठा है ना बनियान में, ये इंसान ये चल के लेके आया है और आके बोल रहा है चिकन बनाओ। मैं दरवाजे से घुसी भी नहीं और फिर मुझे बोल रहा है कि चलो चिकन बनाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने चिकन वगैरह हमने ऑर्डर कर दिया था, सुबह को ऑर्डर कर दिया था, तो मैंने साफ वाफ करके सब रख दिया है। सोचा था बनाएंगे, क्योंकि चिकन एंड कबाब दोनों ही ऑर्डर किया था, तो दोपहर को हमने कबाब बनाया था खाया, और अभी बोल रहे हैं कि अब चिकन बनाओ। इतनी दूर से कोई पैदल आके फिर अभी चिकन बनाने का मेरे में तो हिम्मत नहीं है। तो अभी जूस, और ये जूस मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। ये जूस जो है ना, पहले मैं रियल जूस खाती पीती थी, सॉरी खाती नहीं थी, पीती थी। अभी जो है ना ये बी नेचुरल का मिक्स फ्रूट, गुडनेस ऑफ फाइबर रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन सी। सो ये वाला फ्रूट मैं भी, आई मीन जूस, फ्रूट जूस मैं भी पीऊंगी। और ये कोई मैं यू नो स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ कि हाँ ये जूस वगैरह, कुछ स्पॉन्सर वगैरह नहीं है। तो अभी पीते हैं ये जूस। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मछली देखे ना हम, मतलब हो कौन सा ले। तो फाइनली हमने लिया है इलिश, वो देखो काले वाले पॉलिथिन में इलिश, और इसको मुझे अभी धो धा के रख देना है। एंड उसके बाद हमने और भी जो शॉपिंग किया ना, ये इधर है, मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है। अभी फिलहाल इसको यहाँ रख दिया है एंड शॉपिंग वगैरह करके तो आ गए हैं। एंड ये देखो खुद यहाँ बैठ के चिप्स खा रहा है और लड्डू खा रहा है, और मुझे बोल रहा है कि चलो चिकन बनाते हैं। ऐसे हस्बैंड हो आप। एंड चलो मिलते हैं, आप मौलते हैं, चलो मिलते हैं एक और ब्लॉग पे। चल रहा है, बाय। और हाँ, कोलकाता शुलवाना का तो उन लोगों का ना मिठाई भी है ना, मिठाई का कुछ प्रॉपर, उनका मिठाई का अलग दुकान है। हाँ, उनका एक ब्रांच खाली ओनली फॉर क्या था उसका नाम, खीर कदम, खीर कदम, खीर कदम, खीर कदम। जब मैंने उनको बोला, पूछा कि मतलब मिठाइयाँ कहाँ था ना, तो व्हाइट उनका फिल्म, व्हाइट फील्ड में एक ब्रांच है जहाँ पे उनका, वहाँ पे बस बेसिकली उनका मिठाइयाँ वहाँ बनता है, वहाँ से मिठाइयाँ ये लोग मराठे के जो कोलकाता शोलाना है वहाँ पे लेके जाते हैं। तो आपको अगर मिठाइयाँ चाहिए तो आप खीर कदम व्हाइट फील्ड में है, वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं। और हमने वही रुक रुक देख लिया कि हम लोग भी व्हाइट फील्ड में है, तो चलते हैं आज मिठाई खाने के लिए, क्योंकि मुझे आज मिठाई खाने का बहुत क्रेविंग हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि कहाँ है, सो वो कहाँ था, 5 किलोमीटर राइट, हाँ वहां थोड़ा से दूर बारह है, तेरी से दूर दूर था, तो वहीं पे रुके। हमने लोकेशन चेक किया तो वो थोड़ा सा दूर पड़ा था, फिर कहा कि आज नहीं फिर कभी चलते हैं। तो वहां पे पूरा नाइस सामान खरीद वरीद के एक कप चाय पिया मैंने, इन लोगों ने कुछ नहीं पिया। फिर वहां से हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो एक्सप्लोर करते हुए आएंगे, चल चल के आते हैं, रास्ते में कोई भी दुकान मिलेगा देखेंगे, क्योंकि ऑटो से जाते हैं लोकेशन पे अपना काम खत्म करके फिर वापस आ जाता। तो उन्होंने कहा, इस बंदे ने कहा चलो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं राइट। फिर एक्सप्लोर किया एक, अच्छा लगा ना, कितना सारा दुकान देखने मिला। हाँ, जो मेरा अभी पाँव दर्द कर रहा है। सो एनीवेज, वहां से आते समय ना हमें एक दुकान मिला सूफी ट्रेडर्स, जहाँ पे आपको फ्रूट्स एंड नट्स के चीजें मिल जाते हैं, बिलोंगिंग चॉकलेट्स, चॉकलेट्स, और बेसिकली वो केरला से आता है। केरला के जो चॉकलेट्स वगैरह थे ना वहां पे, हम लोग जब केरला गए थे वहां पे भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स एंड और नट्स की नट्स सब दुकान बाहर का था, मतलब लाइक दुबई यूएई। हाँ वही कहता था। तो वही वहां से कुछ सामान हमने फिर से लिए, फिर चल चल के आए। फिर एक और दुकान मिला जहाँ पे आपको बैम्बू से रिलेटेड सारी चीजें वो बना हुआ था, तो वहां से हमने कुछ खरीदा नहीं, बस देखा देखता के फिर वापस चले आए। तो यही है। अब देखो देखो मैं लेके आई थी अपने लिए, पी रही है ये बंदा, मतलब ना, और बोलता मुझे पोटेटो मत देना, मुझे पोटेटो मत देना, आपके सामने जो मिला भूख पोटेटो मत देना। देखो खुद खा रहा है भी पोटेटो चिप्स। लग रहा है तो क्या करूँ, ये हमारा चलता हाँ? रहता है। चलो बाय बाय, पहले बाइक कर चुके, फिर से बाइक, छेदो छेदो अलग बना, छेदो छेदो।